दोस्तों जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट है और जिसका आकार पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है और इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान 318 गुना ज्यादा है। और दोस्तों जुपिटर की अगर हम बात करें तो इसके आकार और रंग बिरंगे बादलों ने हमेशा से इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और खासकर इस पर सालों से चल रहे तूफान ने जिसका आकार हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा है और उसमें चलने वाली हवाओं की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि बृहस्पति के पास 80 से ज्यादा चंद्रमा मौजूद हैं और इनमें से यूरोपा सबसे अद्भुत है जिन पर वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके सतह के नीचे द्रव्य के रूप में पानी मौजूद है और उन पर जीवन भी हो सकता है। और दोस्तों जब भी हम इंसान अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि वह बृहस्पति के पास से होकर जरूर जाए, जिसके दो फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि हम उसके बड़े आकार और गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस स्पेस की गति को बढ़ा पाते हैं ताकि वह सौर मंडल में और भी दूर जा सके और कम ऊर्जा की खपत करे, जैसा कि हमने वॉयजर स्पेस क्राफ्ट के साथ किया था। और दूसरा फायदा यह है कि इसके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्राफ्ट की मदद से बृहस्पति ग्रह पर रिसर्च कर पाते हैं ताकि हम इस ग्रह और इसके चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7 को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जुपिटर उन ग्रहों में आता है जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी दूरबीन या किसी टेलीस्कोप से, क्योंकि यह सूर्य से ज्यादा दूरी पर नहीं है। और जुपिटर सौर मंडल का पांचवा प्लैनेट है और उसकी सूर्य से औसतन दूरी 5.200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि वह दूरी होती है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी कि सूरज से उसकी दूरी हमारे पृथ्वी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। और इतनी दूरी होने की वजह से सूर्य की किरणों को उसकी सतह पर पहुंचने में 44 मिनट का समय लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तक किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजना बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए जानते हैं उस पर भेजे गए स्पेस क्राफ्ट के बारे में जो सफलतापूर्वक जुपिटर पर पहुंचा था और हमारे लिए उन्होंने अनेक जानकारियां जुटाई हैं। दोस्तों पायनियर 10 स्पेस क्राफ्ट बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने वाला इंसानों का सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट था और जिसे नासा ने 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया था। और दोस्तों नासा के इस मिशन का काम बृहस्पति के वायुमंडल का अध्ययन करना था और उसने अपना काम बखूबी किया, जिसके जरिए हम बृहस्पति के रंग बिरंगे बादलों के बारे में जान सके और हम जान सके कि बृहस्पति के ज्यादातर बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं और इनमें हवाओं की रफ्तार हजारों मील प्रति घंटे तक चली जाती है और जहाँ का तापमान और दबाव कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस घेरे में बदल जाती है, जो कि हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा दबाव से बदल पाती है। इसे हम डायमंड रेन भी कहते हैं, यानी कि जो हीरा धरती पर अत्यधिक दबाव की वजह से खदानों में मिलता है वह दबाव इसके वायुमंडल में मिल जाता है और इसकी बारिश भी होती है, जिसे हम डायमंड रेन भी कहते हैं। दोस्तों पायनियर 10 ने जुपिटर के अलावा शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में भी हमें काफी कुछ जानकारियां भेजी थी। और दोस्तों वर्तमान में 2003 का वो समय था जब इसने आखिरी बार नासा से संपर्क किया था, जिसके बाद यह लगातार हमारे सौर मंडल के बाहर की ओर यात्रा कर रहा है। लेकिन यह कहाँ है हम वो नहीं जानते, क्योंकि इससे नासा का कोई भी संपर्क नहीं है, यानी कि यह अपने अनंत सफर पर
पर निकल चुका है और न जाने कितने सैकड़ों और लाखों सालों तक यूं ही यात्रा करता रहेगा। और दोस्तों शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट के बारे में न जानता हो। दोस्तों खासकर वो लोग जो अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। 5 सितंबर 1977 में वॉयेजर प्रोग्राम के जरिए लॉन्च किया गया यह स्पेस क्राफ्ट इंसानों के अंतरिक्ष में खोज की असली शुरुआत थी। और दोस्तों इंसानों ने इसी स्पेस क्राफ्ट की मदद से सौर मंडल की बहुत सी बातों को बहुत ही बेहतर और नजदीक से समझा, क्योंकि जिन ग्रहों तक इंसानों का कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं पहुंच पाया था वहां तक भी वॉयेजर स्पेस क्राफ्ट पहुंच गया था। और दोस्तों मार्च 1969 में वॉयेजर 1 बृहस्पति और उसके चंद्रमा के पास से गुजरा था, जहां उसने बृहस्पति की 18,000 से ज्यादा तस्वीरों को नासा के वैज्ञानिकों तक भेजा। और वॉयेजर 1 की तस्वीर के जरिए वैज्ञानिकों ने देखा कि बृहस्पति के चारों ओर एक पथरीली रिंग मौजूद है। और इसके अलावा वॉयेजर 1 की खोज में उसे बृहस्पति के चारों ओर घूमते नए चंद्रमा भी मिले। और दोस्तों यूरोपा के बारे में कहा जाता है कि इसकी सतह के नीचे एक महासागर की उपस्थिति है, और दोस्तों जिसके कारण इसके चारों ओर एक ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। और दोस्तों गैलीलियो स्पेस क्राफ्ट ने करीब 8 सालों तक जुपिटर की कक्षा में समय बिताया और इसका ईंधन खत्म हो गया। तब वैज्ञानिकों ने इसकी गति को जुपिटर की ओर कर दिया, जिसके कारण यह बृहस्पति के अंदर चला गया और इसने अपने अंत समय तक बृहस्पति की जानकारी हम तक पहुंचाई। और कुछ समय के बाद ही इसका संपर्क नासा से टूट गया, यानी कि यह स्पेस क्राफ्ट बृहस्पति की तेज हवाओं और गर्म तापमान में डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो भारत भी अपने चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद अपना स्पेस क्राफ्ट जुपिटर के अध्ययन के लिए भेज सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।